हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, आज मैं एक ऐसा नाश्ता लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जब नवरात्र में आपको बहुत ही ज़ोरों की भूख सताए तो इस नाश्ते को आप 5 मिनट में बनाएं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बिना देर किए इसको बनाते हैं। कुट्टू का आटा फ्रेंड्स, थोड़ी पानी में मैं गूँथ रही हूँ, इसे आलू ऐड नहीं की हूँ। साथ में बना रही हूँ धनिया, टमाटर, मिर्चे की बहुत ही तीखी तीखी स्पाइसी चटनी जो बहुत ही यम्मी लगता है, इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ मिर्चा, टमाटर, हरी धनिया, जीरा और थोड़ा इसमें ऐड करेंगे नमक और ज़रा सा पानी, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमक में सेंधा नमक ऐड करना। इधर कुट्टू के आटा को मैंने बढ़िया से डो गूँथ लिया है, तैयार कर लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। कुट्टू की पूड़ी बेल करके, अगर आपको बेलना नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हाथों से ही इसको बढ़िया से बना के आप इसको पूड़ी की तरह बना सकते हैं। और ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे और ये बड़े आसानी से पलट भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको कुरमुरी हो जाए, ब्राउन हो जाए तब इसको निकालिए। इसके साथ मैंने चटनी भी बना लिया है और ये चटनी दही के साथ ये गर्मा गर्म पूरी व्रत में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना इस नवरात्र में। और स्पेशली मैंने ये रेसिपी आप सबके लिए ही बनाया है। जय माता दी दोस्तों, आप सब पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो इन कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।